कल सुबह हमने हाईलाइट किया था कि फाइनेंशियल्स पर रडार पर रखना चाहिए, उनकी बात करनी चाहिए क्योंकि सारी लिक्विडिटी उसी पॉकेट को चेज कर रही है। पर कल के सेशन में एक इंटरेस्टिंग चेंज हुआ है। एक दो बैंक्स को छोड़ दीजिए आप, तो कुछ बैंक्स ऊपरी से ठंडे पड़े और उसी फाइनेंशियल स्पेस में एनबीएफसीज वो पॉकेट थी जहां पे अच्छा आउट परफॉर्मेंस की शुरुआत हुई, कर जाते जाते वहां पे अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही थी। तो अब शायद वो फाइनेंशियल्स पे फोकस हो, एनबीएफसीज ज्यादा बेहतर प्लेस्ड हो, तो एक एनबीएफसी जो लगता है अच्छी प्लेस्ड है वो रडार पे रहेगी। और ये टेक्नो फंडा कॉल के नाम पे मैं देख रहा था आप लोग बातचीत कर रहे थे, तो एलएनटी फाइनेंस होल्डिंग, अब वो टेक्निकल तो पता नहीं, वो हाईलाइट हुए होंगे, फंडामेंटल्स मैं आपको समझाता हूँ। ये स्टॉक अपने साल के हाई से अभी भी 20% नीचे कामकाज कर रहा है। क्यों कर रहा है? पिछले साल सितंबर में आपको याद होगा वो आयरन एफएस एक्सपोजर का मामला सामने आया था, उसके बाद लिक्विडिटी ड्राई आउट होती हुई नजर आई थी एनबीएफसी के लिए, उसके बाद ये स्टॉक करेक्ट हुआ था। पर अब तमाम पॉजिटिव्स हमारे सामने हैं। अभी पॉजिटिव्स क्या है? ये जो लिक्विडिटी सिचुएशन थी, किल्लत थी, ये ईज ऑफ हो रही है। रेट कट की होप जाग रही है जो आप लोग चर्चा कर रहे हैं। आयरन एफएस का ओवरहैंग वो लगातार रिड्यूस हो रहा है, स्ट्रीट अब उसकी बात करना बंद कर चुका है। एनबीएफसी जो स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज के साथ है, अच्छी पेडिग्री की है, उन पर बाजार का ध्यान रखिए, फोकस शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। और खास तौर पे वो एनबीएफसी जो प्रूडम एलएम मैनेजमेंट रखती हैं, उनके आजकल उनको रिवॉर्ड किया जा रहा है बाजार द्वारा। मॉनसून अच्छा रहेगा तो एनबीएफसी जिसका रूरल थ्रस्ट हो, हम लोग सबके सब रियल एस्टेट में अच्छे अपस्विंग की बात कर रहे हैं, अप ट्रेंड की बात कर रहे हैं, तो वो एनबीएफसी जो ऑलरेडी उस प्ले को खेल सके, ये सब पॉजिटिव आपको इसी कंपनी एलएनटी फाइनेंशियल होल्डिंग्स में नजर आएंगे। आप इस कंपनी का धंधा समझिए, एक स्ट्रॉन्ग पेडिग्री है, एलएनटी प्रमोटर है जिसका हेल्दी 64% के आसपास का स्टेक है, ये कंपनी रूरल फाइनेंसिंग में, और रूरल फाइनेंसिंग में फार्म इक्विपमेंट, टू व्हीलर्स और माइक्रो लोन्स प्रोवाइड करती है, और लार्जली ओईएम्स के साथ डायरेक्टली टाई अप है इस कंपनी का। हाउसिंग में है जिसमें होम लोन्स देने का काम, लैप पोर्टफोलियो इस कंपनी का यानी कि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, और साथ ही रियल एस्टेट फाइनेंसिंग का धंधा है। होलसेल में कंपनी इंफ्रा, रिन्यूएबल्स, रोड, ट्रांसमिशन, इन सब के लिए फाइनेंसिंग और फंडिंग का काम करती है। इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट आप लोगों को स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, ये जो म्यूचुअल फंड आप देखते हैं ये इस कैटेगरी में आता है, और वेल्थ मैनेजमेंट, ये सब धंधे हैं इस कंपनी के। और ये कंपनी धीरे धीरे करके अपने धंधे में बहुत स्मार्टली बदलाव कर रही है, रिटेलाइजेशन ऑफ पोर्टफोलियो कहा जाता है इसको। होलसेल का धंधा धीरे धीरे रिड्यूस करने की कोशिश हो रही है, और जो बाकी इंपॉर्टेंट जो दूसरे धंधे हैं, हाउसिंग का, रिटेल का, इनमें हम देख रहे हैं धीरे धीरे करके रूरल का कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है, वो आपकी स्क्रीन पर प्लेट आएगी। पिछले साल Q3 से इस साल Q3 के बीच में ही एक मार्क शिफ्ट इस धंधे में देखने को मिला है, रिटेलाइजेशन में देखने को मिल रहा है। इस कंपनी का बहुत तगड़ा प्रेजेंस है, 21 राज्यों में, 2 यूनियन टेरिटरीज में, ऑलमोस्ट 250 ब्रांचेस, 1180 माइक्रो लेंडिंग सेंटर्स, 21,000 से ज्यादा इसके पास एम्प्लॉइज, और क्रिस से लिक्रा केयर इंडिया रेटिंग, सबने ट्रिपल ए रेटिंग इस कंपनी को दे रखी है। अच्छा, शेयरहोल्डिंग की बात, एलएनटी के पास तो 64% हिस्सा है, बेन कैपिटल ऑलमोस्ट 5% ओन करता है, इसके अलावा एफआईएस के पास अतिरिक्त 10% का हिस्सा है जिसमें सिटी ग्रुप, स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड सबके पास स्टेक्स हैं, तमाम म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी सिग्निफिकेंट चंक होल्ड करती है, तो ये कंपनी वाकई बड़े स्ट्रॉन्ग हैंड्स में आपको नजर आएगी। अब ट्रिगर्स क्या है? ये जो सीपी का मार्केट था, ईज ऑफ हो रहा है, ईज ऑफ जो स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज, स्ट्रॉन्ग पेडिग्री कंपनीज है उनके लिए, जिसमें ये कंपनी है, ये कंपनी प्रूडम एलएम मैनेजमेंट के लिए जानी जाती है, तो लिक्विडिटी के इश्यूज थे। इनफैक्ट Q3 के एंड में इस कंपनी के पास 15,600 करोड़ रुपए की लिक्विडिटी थी, कैश, एफडीज और अदर लिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स में 4,000 करोड़ रुपए, अनड्रॉन बैंक लाइन के पास 10,000 करोड़ रुपए की, और जो एलएनटी से बैकअप लाइन मिलती है 2,000 करोड़ रुपए के आसपास की अनयूज थी, इस तरह की लिक्विडिटी थी। इनफैक्ट इसी महीने मार्च 7 को न्यूज आई थी, 6 मार्च से इसने अपने बॉन्ड इश्यूएंस की बात करी थी जो खुला था 20 मार्च तक, 6 को खोला, 7 को ही बंद करना पड़ा था क्योंकि 4.5 गुना वो ओवर सब्सक्रिप्शन इसको ऑलरेडी मिल चुका था। इस तरह का बाजार से रिस्पांस मिल रहा है इस कंपनी को। आयरन एफएस एक्सपोजर, इस कंपनी के पास 4 एन्युटी प्रोजेक्ट्स और 2 टोल रूट प्रोजेक्ट्स में इसके पास आयरन एफएस का एक्सपोजर है। ये सारे के सारे प्रोजेक्ट जहां पे एक्सपोजर है सब ऑपरेशनल है। Q3 के एंड तक इंटरेस्ट और प्रिंसिपल रीपेमेंट सब में वापस आए थे ड्यू डेट पर, और ये कंपनी वैसे भी अपने स्टेटमेंट में मेंशन कर चुकी है जो एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस है, लॉस गिवन डिफॉल्ट है इन प्रोजेक्ट्स में, इन एक्सपोजर में निल है, क्योंकि इसी तरह से ये डील स्ट्रक्चर करी गई है। फाइनेंशियल्स बहुत स्ट्रॉन्ग फुटिंग में है, वो फाइनेंशियल स्क्रीन्स अगर पे आए कोई दिक्कत आ रही है, लेकिन FY19 के हर क्वार्टर के पैट और ROEs आप देखेंगे लगातार स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, 18% से ज्यादा के ROEs ये कंपनी आज भी कमांड करती है। Q3 के फाइनेंशियल, लोन ग्रोथ 22%, 5% से ज्यादा के स्टेबल NIM से कंपनी मेंटेन कर रही है, जबकि कॉस्ट प्रेशर्स थे वो आसानी से पास ऑन कर पा रही है। एसेट क्वालिटी में Q1Q इंप्रूवमेंट देखने को मिला, और ये सब तब हो रहा है Q3 में जब मैं कह रहा हूं कि एक चैलेंजिंग एनवायरमेंट था NBFCs के लिए। फाइनली ये एक स्ट्रॉन्ग पेडिग्री है जो इंश्योर करेगी कि लिक्विडिटी हमेशा अवेलेबल रहे इस कंपनी को लेकर।
इंप्रेसिव लिक्विडिटी और रिस्क मैनेजमेंट स्किल्स इस कंपनी ने दिखाई है। एक डाइवर्सिफाइड येट फोकस कहना चाहिए इसका पोर्टफोलियो है, धंधों का प्राइसिंग पावर है जो दिख रहा है, मार्जिन जो कंपनी मेंटेन कर पा रही है, और कहा जाता है बड़े स्ट्रॉन्ग डेटा एनालिटिक्स टेक्निक्स है, इसीलिए एसेट क्वालिटी अंडर चेक ये कंपनी रख पाती है। तो आमतौर पर लॉजिकली तो एक कंपनी अपने पीएस से एक प्रीमियम पे वैल्यू करी जानी चाहिए, और उस लिहाज से एलएनटी फाइनेंस होल्डिंग्स को आप रिडाप रखें। ऑलराइट, तो एलएनटी फाइनेंस होल्डिंग, ये आशीष मेरा आज का चौकीदार।